2012 में जब निर्भया कांड हुआ तो हम सबको उस घटनाक्रम ने झकझोर कर रख दिया। हर किसी के अंदर आक्रोश था, गुस्सा था। पर उसी बीच इंडियाज डॉटर नाम की डॉक्यूमेंट्री आती है, जिसमें रेपिस्ट और उसका वकील दोनों ही एक बात कहते सुने जाते हैं कि जो लड़की रात को 9 बजे घर से बाहर निकल रही है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो कैरेक्टरलेस है। और सबसे दुखद बात यह है कि कई भारतीय ऐसी ही विचारधारा रखते हैं। विक्टिम को कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, किस जोक पे हंसना चाहिए, किस पे नहीं, कैसे बात करना चाहिए, कितने बजे बाहर निकलना चाहिए, किसके साथ बाहर जाना चाहिए, ये सारे रूल्स विक्टिम के लिए तो डिफाइंड हैं, लेकिन क्रिमिनल के लिए नहीं। क्योंकि क्रिमिनल तो बुरा होगा ही, वो तो जुल्म करेगा ही, तुम क्या कर सकते हो एज अ विक्टिम, ये सोचो। क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर क्यों नहीं रहती, लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना, अपना काम कर रहे हैं, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके। विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर तभी आता है जब हम जुल्म करने वाले पर सवाल नहीं उठाते हैं, बल्कि जुल्म सहने वाले पर उठाते हैं। इस विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर की वजह से मुझे लगता है कि हमारी सेंसिटिवनेस भी कहीं ना कहीं मरती दिख रही है, क्योंकि जब कोई विक्टिम हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आता है तो हम उसी पर ही 10 सवाल उठा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की ही बात करें तो कितनी बार होता है कि अगर हमें कोई बताता है अपने डिप्रेशन रिलेटेड सिम्टम्स या एंग्जाइटी इश्यूज़, तो हम उसी पर ही सवाल उठा देते हैं कि तुम्हारी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है कि तुम्हें डिप्रेशन है। ऐसा ही कुछ हाल ही में घटित अंजलि केस में हुआ। अंजलि की बॉडी को 13 किलोमीटर तक क्रिमिनल्स ने कार से घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पर फिर भी विक्टिम्स रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली जाने लगी जो उस केस की सेंसिटिवनेस को कम करे, क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग एक ऐसा टूल है जो कोई भी संजीदा केस को डाइल्यूट करने का काम करती है, उससे जुड़े आक्रोश को कम करती है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है। आपने एम्बर हर्ड वर्सेस डेप केस सुना होगा। हर कोई जज बना बैठा है यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स के दम पर कि एम्बर हर्ड ही गुनेगार है, LLB डिग्री करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एविडेंसेस तो सारे यूट्यूब शॉर्ट्स पे ही पड़े हुए हैं। एम्बर हर्ड ने 2016 में डाइवोर्स फाइल किया, जॉनी डेप ने नहीं। और एम्बर हर्ड ने ही डोमेस्टिक वायलेंस का भी आरोप लगाया डेप पर, ये जानते हुए कि डेप मनी और फेम में उससे ज़्यादा पावरफुल है। पर हुआ क्या, डेप ने डेफेमेशन केस लगाया और ये साबित किया कि इनफैक्ट वो विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस का, और अपनी पूरी PR टीम को लगा दिया सोशल मीडिया पर लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। और लोगों ने भी एम्बर हर्ड को एज अ विक्टिम नहीं देखा बल्कि गोल्ड डिगर बना दिया, क्योंकि वो परफेक्ट विक्टिम नहीं थी हमारे सोसाइटी के हिसाब से ऑफकोर्स, और विक्टिम ब्लेमिंग करके केस खत्म हो गया। उसके रेपरकशंस ये हुए कि अब DV की कोई विक्टिम होती है तो या तो वो एम्बर हर्ड के जैसा बैकलैश फेस करने के डर से केस नहीं करती, और अगर करती है तो लोग सीरियस नहीं लेते। और विक्टिम ब्लेमिंग सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है, कोर्ट के जजेस जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है फ्री एंड फेयर ट्रायल, वो भी विक्टिम पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। जैसे तरुण तेजपाल केस में जज साहिबा सवाल खड़े की विक्टिम पे कि तुमने कपड़े कैसे पहने हुए थे, तुम इंसिडेंट के बाद रो कैसे ले रही थी, जबकि सेक्सुअल असॉल्ट के कई केसेस में इमीडिएट रिएक्शन विक्टिम का अटर शॉक होता है, ना कि रोना। पर विक्टिम ब्लेमिंग तो हमारे खून में बसी हुई, और खासकर जब वो विक्टिम औरत हो। हाथरस केस में तो गैंगरेप विक्टिम की मौत के बाद उसकी बॉडी तक गवर्नमेंट ने जला दी बिना उसकी फैमिली को बताए हुए। ऐसे घिनौने केस में भी गोदी मीडिया में जरा भी शर्म नहीं थी, गवर्नमेंट को बचाने के लिए विक्टिम की कैरेक्टर असैसिनेशन पर उतर आई। हाल ही में हुए मीटू मूवमेंट में इतने बड़े और पावरफुल सेलेब्स पे जाने कितनी औरतों ने अपनी आपबीती सुनाई, ताकि लोग उन पावरफुल लोगों पर सवाल उठाएं, उस इंडस्ट्री पर सवाल उठाएं जो औरतों को सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे सकती। पर उसमें भी कई लोग थे जो पूछ रहे थे कि अब सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स क्यों आ रही हैं, पहले क्यों नहीं आई, अपना फायदा देखा होगा और जब फायदा निकल गया तब आ रही हैं। जबकि हम सबको पता है कि एक विक्टिम के लिए पुलिस केस करना, फाइट करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली जब सिस्टम भी सपोर्टिव ना हो। ऐसे में पावरफुल इंसान पर इल्ज़ाम लगाना तो अपना करियर खत्म करने के बराबर है, कई बार तो लाइफ खत्म करने के बराबर है। पर जब मीटू लहर आई तो उन्होंने हिम्मत दिखाई अपना पेन शेयर करने की, और हमने
विक्टिम ब्लेमिंग किया। 99% सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस अभी भी अनरिपोर्टेड जाते हैं और उसका मेन रीजन विक्टिम ब्लेमिंग होता है। हमने ऐसा सोसाइटी इतने लेयर्स बना रखे हैं विक्टिम को ब्लेम करने के कि अगर घर पर बताया तो सवाल, पुलिस को बताया तो विक्टिम के कैरेक्टर पर सवाल, और कोर्ट में तो उस केस की हर उस डिटेल को इतनी गहराई तक पूछते हैं कि मेजॉरिटी लोग उस ट्रायल से बचना चाहते हैं। जब हमने सिस्टम ही विक्टिम के खिलाफ बनाया हुआ है तो रिपोर्ट कैसे होगा क्राइम? एक टर्म होता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो ट्रॉमा क्राइम से ज्यादा सोसाइटी के वजह से विक्टिम फेस करता है और जहन में रह जाता है। तो अगर हमारी स्ट्रैटेजी ही प्रॉब्लम से टैकल करने की ये है कि विक्टिम पर ही 10 सवाल उठा दो और इशू को रफा दफा करो, तो इजी सोल्यूशन है, जैसे इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट सोल्यूशन। पर अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए तो परपेट्रेटर पर फोकस लाने की जरूरत है। हमें सामाजिक तौर पे अपने लड़कों को किस तरह की सोच के साथ बड़ा करना है, इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि रेप तो प्रोडक्ट है उस समाज के पेड़ का जिसका बीज है वो हर छोटा सा चुटकुला, हर छोटा सा जोक जो महिलाओं के प्रति भेदभाव की भावना लाता है। हम उस बीज को सींचते हैं, खाद देते हैं, तभी तो वो पेड़ फलता फूलता है और हम एसिड अटैक्स, मर्डर, रेप जैसी घटनाएं सुनते हैं। तो अगर हम वो नफरत का बीज बोना बंद कर देंगे तो क्या बदलाव मुमकिन नहीं? विचार कीजिएगा। धन्यवाद।